हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल B6K व्लॉग। आमिर माजिद ने अपनी S1000 RR में गाइस एग्जॉस्ट फिटिंग करने की बात की है। सबसे पहले आप क्लिप ही देख लो। भाई का कुछ काम कराना था, अभी ये 500 किलोमीटर जो है डन हो रखे हैं अपन के पे। 1000 किलोमीटर पे इसका जो मीटर है वो अनलॉक होगा एंड साथ ही साथ में इसका जो एग्जॉस्ट है भाई वो हमें डलाना है। अभी मेरे को बुरहान भाई बोल रहा था कि तूने टैंक पैड वगैरह तो डला दिया, यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे, ये बहुत प्यारी क्लिप है भाई। एंड साथ ही साथ में ये वाली जो है ये भी बहुत प्यारी है। सो अभी मैं लाइट्स इंस्टॉल करने की सोच रहा था। ये वाली जो लाइट्स है ना बाहा की, जिनको मैं बाजा बोलता था, सो वो सेम लाइट्स जो थी ड्रैगन में लगी हुई थी, जो हमारा ओल्ड Z1000 था। बट अभी इसके लिए ना बुरहान भाई ने अभी ये वाली लाइट्स रखी हुई है सेम। बट दिक्कत ये है कि इसे हम चिपकाएं कहां पे। तो अभी हमने यहां पे ना दो तीन जगहें देखी है। एक जगह तो हम इसको यहां पे रख सकते हैं ऐसे, एकदम पूरा ना नट नुट लग के यहां पे ऐसे ऐसे आ जाएगा, एकदम बहुत प्यारा लगेगा भाई। या यहां लगा देंगे या फिर विंगलेट पे, मैं सोच रहा हूं कि कुछ इस तरह से। अभी ये डिजाइन हमने बनाया तो कोई चोरी नहीं करेगा भाई। आमिर भाई ने कहा अभी मेरी बाइक जो है वो 500 किलोमीटर चल चुकी है, जैसे ही वो 1000 किलोमीटर चलती है तो यार मैं होममेड एग्जॉस्ट डलवाने वाला हूं। कौन-कौन रेडी है S1000 RR प्रो में एग्जॉस्ट देखने के लिए कमेंट करके बताओ। हम तो गाइस बहुत ज्यादा रेडी हैं। कल के व्लॉग में गाइस बहुत ही इमोशनल बात की थी। आमिर भाई ने बोला था कि मैंने अपने ड्रैगन और लाइगर क्यों बेची थी। सबसे पहले आप क्लिप ही देख लो। उन्होंने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी, मेरी बाइक ना जबरदस्ती बिकवाई गई है। मैंने मेरी बाइक कभी खुद नहीं बेची है। ये तो ग्रीन कलर की बाइक थी, अभी भी मेरी फेवरेट है। मेरे को पहले भी बहुत अच्छी लगती थी, अभी भी बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोगों के कारण हमारी बाइक बिक गई भाई। कहते ना ऊपर वाला जब कोई चीज तुमसे छीनता है तो कुछ चीज तुम्हें देता भी है। आज हमारे पास BMW S1000 RR Pro है भाई, ओनली वन इन नॉर्थ। बहुत बड़ी बात है। तो आमिर भाई ने कहा यार मैं अपनी लाइगर और ड्रैगन बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहता था, मैंने अपनी माँ बाप के लिए बेची और अपने जो भी मेरे से हेट करते मेरे को मजबूरी थी और मेरे को कोई भी शौक में लाइगर और ड्रैगन को बेचूंगा। भगवान जो भी करता है ना गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छा करता है, क्योंकि गाइस देखो यार ड्रैगन और लाइगर गई तो उसके बाद क्या आई उनके पास, एक और S1000 RR जो सिर्फ वन इन नॉर्थ एंड J&K है। इश्तियाक जी की तरफ से एक स्टोरी आउट हुई है जिसमें उन्होंने आमिर माजिद को पोक किया। फेस के भी करेगा तू होने में फेस, तू बंदा ही तब फेक, मेरे लिखे गीत का किस बहादा सी ट्रेक, जिंदगी आसान पर जीने का तरीका नहीं, गाने मैंने बेचे पर कभी पीका नहीं। ये स्टोरी डलने के बाद इश्तियाक जी की इंस्टाग्राम अकाउंट का इस हैक होते होते बचा जी ने फिर से आमिर माजिद को पोक किया कि आमिर माजिद ने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने की कोशिश किया। सबसे पहले आप क्लिप ही देख लो। इश्तियाक जी ने आमिर माजिद को पोक करते हुए बोला कि अगर तेरे को आईडी का पासवर्ड ही चाहिए था तो मेरे से आईडी मांग लेता, हैक करने की क्या जरूरत। लोग बोल रहे कि आमिर माजिद ने सच में इसकी आईडी हैक किया है। सर मैं बता दूं आमिर भाई कभी भी ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते, हमें पता है यार आमिर भाई की आमिर भाई कैसा बंदा है। आमिर भाई के बारे में कभी भी हेड मत फैलाना, ये मेरी बात याद रखना। आमिर माजिद के 500 के होने वाले 60,000 फॉलोअर्स वाले को क्यों हैक करेगा। आलम ब्लॉग से संडे को मीटअप हुआ था एंड संडे को ना बहुत से ज्यादा बच्चे दिखाई दिए वहाँ पे। आप क्लिप ही देख लें, बच्चे देख रहे बस हमें लग रहा है यार आर्यन ब्लॉग्स के जो फैन है वो सारे बच्चे ही। आर्यन ब्लॉग्स ने अपने नेक्स्ट मीटअप के बारे में बताया, KTM RC 390 या रैप होगी तब मैं नेक्स्ट मीटअप भी रखूंगा। नेक्स्ट मीटअप रखेंगे, जल्दी रखेंगे, ये वाली बाइक भी मॉडिफाई करनी है ना KTM भी, तब रखेंगे मीटअप। जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है UKG7 Rider की साइड से गाइस। UKG7 Rider ने बताया गाइस मैं लैम्बोर्गिनी उरुस लेने वाला हूँ जब उनका घर बन जाएगा। उरुस बच गई गाइस, केवल लैम्बोर्गिनी उरुस बच चुके हैं इस घर में आने के लिए, और भी गाड़ियां आएंगी बट अकेला जो मेरा सपना है वो लैम्बोर्गिनी उरुस का है। वो भगवान करे जल्दी कंप्लीट हो, मतलब घर बनने के बाद है ना बाबा। जो घर बनने से पहले अगर किसी ने इस घर में कुछ बोला, अगर पापा आपने बोला कि गाड़ी लेकर के आनी है, पापा लेके आएंगे ना, क्या करेंगे पापा तो मत बोल। पापा अपनी सिक्योरिटी ले रहे। पापा मम्मी की साइड हो कि मेरी साइड हो? मैं तेरी मम्मी के साइड हूँ। गाड़ी लेके आनी ना जब तक घर नहीं बन रहा ना, घर बनाने के बाद तू लिया, घर बनाने के बाद। ये वाला व्लॉग यहीं खत्म करेगा गाइस, घर से परमिशन मिल चुकी है उरुस की। नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है जट प्रभजोत की साइड से। सो गाइस जट प्रभजोत ने एक बात कही है कि मैं 10 या 15 दिन के अंदर एक जी वैगन लेने वाला हूँ। हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, एक जरूरी काम आ चुका है। वैसे आज भी हमने स्टे करना था लेकिन अपने को ना कुछ जरूरी काम आ चुका है अपनी न्यू गाड़ी से रिलेटेड। अब वो रैंगलर है या जी वैगन है, हम जा रहे हैं बुकिंग कराने के लिए। अब कौन सी गाड़ी की बुकिंग करा रहे हैं वो तो आपको जाके सामने दिखाएंगे कि हाँ भाई इस गाड़ी का हमने बुकिंग अमाउंट का चेक दे दिया है, ये गाड़ी आने वाली है 10 दिन में 15 दिन में, इससे ज्यादा टाइम लगेगा, इतने दिन में आ जाएगी। बाकी हम यही बोलना चाहते हैं गाइस कि आमिर भाई के बारे में ऐसी फेक न्यूज मत फैलाओ। कमेंट करके बताना कि आप आमिर भाई के फैन हो या UK07 Rider के। सो हम तो यार आमिर भाई के फैन और कटरे फैन है। हम देखते हैं आज कमेंट किसके आते हैं, आज कमेंट किसके आते हैं, यूके के आते हैं या आमिर के आते हैं। अगर आपको ऐसी अपडेट अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।